नमस्कार, होम कुक माही में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज हक्का नूडल। तो वेज हक्का नूडल के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें नूडल कैसे बॉईल करना है। तो यहाँ पर हम जो है एक कढ़ाई या आप कोई भी पतीला या पैन लीजिए, उसे चढ़ा दीजिए और उसमें पानी हम पहले बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया है और इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक और 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तेल ज़रूर डालें, उससे क्या है हमारे नूडल्स जो रहते हैं वो बिल्कुल अलग अलग खिले खिले से रहते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स डाल दिया है और एक बात का ध्यान रखना है, जब पानी में अच्छा उबाल आ जाए हम नूडल्स तभी ऐड करेंगे, वरना नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा नूडल जो है वो जो है बॉयल हो गया है। तो अब मैं इसे ठंडे पानी से एक बार वॉश कर लेती हूँ ताकि ये ओवर कुक ना हो। और इसे मैंने एक छलनी में रख लिया है ताकि जो इसमें एक्सेस वाटर है वो सारा निकल जाए। और यहाँ पे हमने वेजीज में लिया हुआ है रेड और येलो बेल पेपर, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई गरम करके हम उसमें 2 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ उसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें किसी भी सब्जी को पकाना नहीं है, बस सौते करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्याज कटे हुए डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सारी वेजीज को लंबाई में कट किया है, आप अपने पसंद की किसी भी शेप में कट कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी वेजीज डाल दी। हमें सब्जियों को सिर्फ 1 मिनट के लिए जस्ट सौते करना है, पकाना बिल्कुल नहीं है। जो सब्जियों की क्रंचनेस है वो रहनी चाहिए। और इसके बाद हम इसमें बॉयल किए हुए नूडल्स डालेंगे और ऊपर से रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर एंड टमाटो केचप ऐड कर देंगे और साथ ही अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखना है इसमें नमक बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमने जब नूडल बॉयल किया था तब भी नमक डाला था और साथ ही सॉसेज में भी नमक होते हैं, तो नमक बहुत बचकर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और इन्हें मिक्स करने के बाद देखिए हमारा नूडल बनकर बिल्कुल तैयार है मिनटों में। और ये देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और ये कितना जल्दी बनकर तैयार हो गया। आपका जब भी मन हो आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।